हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच लेकर आया हूं कुछ क्वेश्चन जिसके आंसर डिटेल्स में हैं। तो आइए चलते हैं, आरंभ करते हैं। अगर चंद्रमा तल पर कोई भीषण विस्फोट किया जाए तो क्या उसकी आवाज़ जो है वो पृथ्वी तक सुनाई पड़ेगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि निर्वात में जो है वह ध्वनि संचरण का संभव नहीं है। ध्वनि यहाँ तक सुनाई नहीं पड़ सकती है, निर्वात से नहीं आ सकती है, चंद्रमा पर निर्वात होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई पक्षी जो है वो आकाश में उड़ता है तो बिना पंख चलाए भी बहुत दूर तक उड़ सकता है, दूरी तक उड़ सकता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है उसका उसकी जो गति में जो संवेग होता है उस कारण से वह उड़ सकता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि मोड़ पर जो एक तरफ ऊँची सड़क बनाई जाती है और एक तरफ नीची यानी कि नीचे की तरफ झुकाव रहता है, उसमें क्यों ऐसा करता है? तो यहाँ पर जो है केंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि अभिकेंद्र बल जो है वो प्राप्त हो सके, अभिकेंद्र बल जो कि केंद्र की ओर लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक लिफ्ट में एक तराजू के दोनों पल्लों पर जो है भार रखा जाता है, पत्थर रखा जाता है और लिफ्ट को चालू किया जाता है, क्या उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिफ्ट आप चालू कीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि एक वाच ग्लास में आयोडीन का विलयन रखा गया है और उसके अंदर आलू का टुकड़ा काटकर डाल दिया गया, आलू के टुकड़े की सतह का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? तो यह जो है नीलाश्मीकरण मतलब कि नीलाकरण हो जाएगा, ये इसका कलर जो है वो नीला हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा नीला कलर? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो है कि आलू के टुकड़े को जब आप काट करके रखें तो उसके ऊपर स्टार्च रहता है, स्टार्च आयोडीन के विलयन में मिल करके नीला रंग को उत्पन्न कर देता है, तो ये नीला स्पष्टीकरण इसका नज़र आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि पित्त जो है वो किससे निकलता है? इजी क्वेश्चन है, इस पहले भी दे चुके हैं, यकृत से निकलता है। होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है? तो हैनीमैन है। विटामिन्स जो है खोजा गया है वो फंग के द्वारा खोजा गया है। डीएनए जो है वो सामान्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो उसमें डीएनए में जो है वो नाइट्रोजिन्स बेस और फॉस्फेट एवं शुगर रहते हैं इसमें। आगे क्वेश्चन है कि किसी स्वच्छ तालाब का पानी इतना गहरा प्रतीत नहीं होता है, वास्तव में वह जितना गहरा होता है, इसका क्या कारण है? दोस्तों, इसका कारण होता है, ऐसे तो प्रकाश का जो है अपवर्तन कारण होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की जब तब जब प्रकाश की किरणें जाती है तो वह जो है अपने अभिलंब की तरफ जो है झुक जाती है, जिस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये घटना के कारण वो वास्तविक गहराई नहीं पता चल पाती, लगता है कि कम ही गहरा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन के अणु से जो ऑक्सीजन के बंधन जुड़े होते हैं वो कितने बंधन रहते हैं उसमें? तो चार बंधन उसके जुड़े हुए रहते हैं। मनुष्य में हीमोग्लोबिन के अणु से ऑक्सीजन के कितने अनुबंधन रहते हैं, अनुबंध रहते हैं? तो वो चार रहते हैं। भारहीनता की स्थिति कब उत्पन्न होता है? तो इसके बारे में क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछे तो जब कभी भी गुरुत्व ना हो, गुरुत्व बल ना हो, प्रभावी गुरुत्वाकर्षण जो है शून्य हो जाए तो भारहीन आपको महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बर्फ जो है वो पानी पर तैरती, ऐसा क्यों हो जाता है? बर्फ़ का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण से कि बर्फ जो है वो पानी पर आसानी से तैर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उत्पन्न करने की तकनीक का जो आविष्कार जो है वो कहाँ मतलब किसने किया था? तो रॉबर्ट एडवर्ड्स और जो है पैट्रिक स्टेप तो ने इसका जो है आविष्कार किया है इसने। अगला क्वेश्चन है आपका कि निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन से बच्चे जो है साधारणता किसकी कमी हो जाती है, किस तत्व का किस तत्व? तो ये पोटेशियम क्लोराइड की जो है इसमें कमी हो जाती है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर एक का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ है। एक्यूपंक्चर विधि का आविष्कार कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है।
तो यदि एक्यूपंक्चर होता क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जो रोगग्रस्त होता है उसमें सुई प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि सुई इसमें डाला जाता है शरीर में, और सुई डालकर उसकी किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। उस सुई सुई से जो है ना किसी भी पीड़ा का जो अनुभव, वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। एक्यूपंक्चर की प्रक्रिया के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि अंधेरे जो है कमरे में वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे तो वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन अंधेरे कमरे में वस्तु में प्रकाश ना है तो पहुंच पाती है, ना तो प्रकाश बढ़ करके हमारे आँखों पर परावर्तित होकर पड़ती है इस कारण से नहीं। तो वस्तु में प्रकाश, वस्तु के द्वारा प्रकाश, वास्तु यहाँ पे लिखा गया है, वास्तु के द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है। परावर्तन नहीं होगा तो आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर किसिस्मोग्राफ द्वारा जो है किस का अध्ययन किया जाता है, तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय उत्तर कहाँ स्थित है, चुंबकीय उत्तर कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा, यानी नॉर्थ और साउथ हमारे अर्थ से कनेक्टेड है ये, तो ग्रीनलैंड के उत्तरी किनारे पर जो है आर्कटिक महासागर में यह जो है चुंबकीय उत्तरी क्षेत्र है हमारा। आपका क्वेश्चन है समुद्र में ज्वारभाट कब आता है। देखिए ये जो ज्वारभाट आता है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की आपेक्षिक दूरियों के कारण से ही आता है, और यह जो है अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अत्यधिक होता है। ज्वार बाढ़ आने की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आती है, बहुत जोर से। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल, ऐसे तो सेकेंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल सेकेंड से ही अस्पष्ट हो जाता है कि ये जो एक दोलन कार्य का पूरा करता है वो 2 सेकेंड में पूरा करता है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर ये पहुँचता है 2 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विज्ञापनों में प्रयुक्त रंगीन विसर्जन नलियों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर जो है जो इसमें जो गैस हो जाती है वो नियोन की गैस इसमें भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के जिगर और मांसपेशियों में संचित ग्लाइकोज जो है वो कैसा ग्लाइकोजन रहता है, तो बहुत शर्करा रहता है, बहुत शर्करा इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध जल में ठोस पोटेशियम साइनाइड मिलाने पर जो है उसका जो पीएच वैल्यू इसमें क्या परिवर्तन होगा। ठोस जल में अगर आप पोटेशियम साइनाइड मिलाते हो ठोस, तो इसके पीएच मान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अग्निशामक जो होते हैं, अग्निशामक यंत्रों में एक अग्निशामक यंत्रों में एक बोतल नुमा बना रहता है, जिसमें कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कौन सा पदार्थ रखा जाता है। तो उसमें जो पदार्थ है वो रखा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का एक शक्तिशाली विलयन रखा जाता है, ताकि इसके कांच के जो बोतल होते हैं वो फटे और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वो मिलकर के रिएक्शन करे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उत्पन्न करेगा, जिससे कि आग बुझाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट जो है वह सीमेंट का जमकर ठोस होना जो है वो क्या कारण है। तो उसमें जल योजन और जल अवघटन दोनों कारण है जिस कारण से वो जम जाता है। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट का जो प्रयोग होता है उसमें बालू का उपयोग क्यों किया जाता है, उपयोग किया जाता है सीमेंट के प्रयोग में बालू का क्या उपयोग होता है। तो सीमेंट के प्रयोग में जो बालू का जो प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही सिंपल याद रखेंगे, एक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग किया, इसमें आंतरिक बल उत्पन्न होता है जिससे उसमें दरारें अगर पड़ती है तो उसका जो है क्षमता जो है कम हो जाएगा, इसलिए सीमेंट का प्रयोग कर दिया जाएगा जिससे कि वो दरार जो है वो उत्पन्न नहीं होगा, और दरार उत्पन्न नहीं होने के कारण से मजबूती बनी रहेगी। इस कारण से डायरेक्ट सिर्फ सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसमें मिला दिया जाता है बालू, ताकि वो दरारें पैदा ना हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।